संविधान के निर्माता बाबा साहब मानवर काशीराम जी को भी खराज अकीदत पेश करते हैं और आयरन लेडी बहन कुमारी रही और उनके मुख्यमंत्रित्व काल में कैसा कार्य हुआ, क्या हुआ, ये सारी जिसे लेकर तमाम हमारे और इसमें हम एकदम क्लियर कर कहना चाहते हैं कि इसमें अजय राय का हाथ, क्या चाहे टिकट कटवा दें। हमारे पास एक पत्रकार का बयान भी है जिन्होंने कहा कि ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने कहा है कि हमने लारी का टिकट कटवा दिया। किस प्रत्याशी बनाया गया, क्या कहेंगे, कहाँ कमी रह गई? देखिए, हमारे साथ कुछ लोगों ने षड्यंत्र किया जो बुरी तरीके से चुनाव हार रहे थे लोग, तो एक वीडियो को जो है बहन जी तक पहुंचाया गया, लेकिन बहन जी ने जब उसकी जांच कराई तो उसमें कुछ एडिट करके कुछ बातें उसमें कही गई थी। और इसमें ख़ास तौर से हमारे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी, जो कि वो भी भाजपा के प्रत्याशी हैं, दो भाजपा के प्रत्याशी हैं, एक अजय राय और एक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और इन दोनों भाजपा के प्रत्याशियों के खिलाफ मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और इनके साजिश के तहत जो है हमारा जो है टिकट कटवाने का काम किया गया। लेकिन बहन जी को हम धन्यवाद देते हैं, मुबारकबाद देते हैं कि बहन जी ने सत्यता को देखा और पहचाना। उन्होंने कहा कि हम किसी भी तरीके से किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे और उन्होंने हमारा दोबारा टिकट जो है फिर बहाल कर दिया और यहाँ से प्रत्याशी बनाने का उन्होंने हमें काम किया है। मैं इसके लिए आदरणीय बहन जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। अजय राय के ऊपर एक आरोप लगाया कि उन्होंने कहा था कि आपका टिकट कटवा लेंगे, आपने भी कहा था? जी हाँ, उन्होंने कहा भी है कुछ लोगों से कि हमारी इतनी हैसियत है कि मैं टिकट कटवा भी सकता हूँ और मैंने लारी का टिकट कटवा दिया। वीडियो में क्या था कि जिससे इतना कड़ा फैसला लेना पड़ गया? अब वीडियो बहुत पुराना वीडियो था और उसमें क्या था, क्या क्या इन लोगों ने एडिट किया था, क्या क्या किया था, वो तो जांच में सब गलत पाया गया और बहन जी ने खुद उसकी जांच कराई और जांच कराने में जो भी 10-15 दिन का समय लगा और उसके बाद फिर बहन जी ने जो है हमको जो है प्रत्याशी यहाँ से घोषित किया। कल आ भी गया था, लेटर भी आ गया था और माननीय घनश्याम खरवार जी और माननीय रामचंद्र जी सब लोगों का जो है फ़ोन भी आ गया था कि आप दोबारा प्रत्याशी बना दिए गए हैं। तो अजय राय को क्या मानते हैं आप? फिर से अजय राय की फिर ज़मानत जब्त होगी, 3 बार ज़मानत जब्त हुई है और इस बार भी ज़मानत जब्त होगी। हमारी लड़ाई अजय राय से तो कहीं है नहीं, अजय राय तो हताशा में है, हमारी लड़ाई सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से है। तो क्या एजेंडा लेके जाएंगे जनता के बीच? जो तो विकास का एजेंडा मोदी जी भी लेके जा रहे हैं जनता के। बनारस में कितना विकास हुआ है, मेट्रो सिटी बना है, क्विटो बना है, ये तो सब आप लोगों के सामने है। सड़कों की लिपा पैच करके जो है सड़कों को सही किया जा रहा है। कौन सा है वहाँ यूनिवर्सिटी नए खुले, हॉस्पिटल खुले, क्या कौन सा काम किए हैं? आज नौजवान बेरोजगार है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, आज किस कदर जो है लोगों के घरों में चूल्हे नहीं जल रहे हैं, हमारा बुनकर जो है परेशान है। बहन जी ने आज बनारस से एक गरीब बुनकर को टिकट दे करके जो है एक मिसाल कायम किया है पूरे हिंदुस्तान में और उन्होंने एक बुनकर परिवार के एक बेटे को टिकट देने का काम किया है। इसके लिए भी बहन जी बहुत ही बधाई की पात्र हैं कि उन्होंने। हमारा मुद्दा है महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, नौजवानों के ऊपर लाठी चल रहा है, उनको नौकरी नहीं मिल रही है, आज लोगों के घरों में चूल्हे नहीं जल रहे हैं, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, सर्व समाज की हम बात करके जो है आज इस मैदान में आए हुए हैं और जो बुनकरों से लेकर किसानों और नौजवानों का क्या जो मसला है, जो समस्याएं हैं उसके समाधान के लिए हम इस लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं और इसी को लेकर के हम इस लोकसभा के मैदान में बनारस से उतरने का काम किए हैं।